नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंडियन लोगों के बारे में। जी हां, आपको क्या आप जानना चाहते हो कि इंडिया के लोग विदेशों में जाते हैं? मैं हर बार कितने वीडियो में बोल चुका हूं, सैकड़ों वीडियो में बोल चुका हूं कि भाई इंडियन लोग वहां कमाने के लिए जाते हैं, लेकिन पता नहीं किस लालच में या दबाव में या फिर गलत आकर वो लोग फंस जाते हैं। जी हाँ, तो क्या आप जानना चाहोगे कि कितने इंडियन लोग कौन से देशों में अब तक फंसे हुए? जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे कंट्रीज वाइज की भी, कौन से देश में कितने लोग अभी तक अपने इंडिया के कितने लोग फंसे हुए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको गल्फ कंट्रीज से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। एक बात का आंकड़ा मैं पहले बता दूं, एक वीडियो मैंने थोड़े टाइम पहले बनाया था पाकिस्तानी लोगों के ऊपर। जी हाँ, और ये आंकड़े भाई मैं वीडियो बनाता हूं तो ऐसे तो नहीं कि मैं रात को सोचता हूं सुबह बोल देता हूं, ऐसा तो कुछ नहीं। आंकड़ों के हिसाब से, आंकड़े जो निकल के आते हैं उसके हिसाब से न्यूज बनती है। अब कुछ लोग नीचे नेगेटिव कमेंट करने लग जाते हैं। अभी एक वीडियो रिसेंट मैंने बनाया था, दुनिया के 10 कमजोर पासपोर्ट, एक सा आलम ऐसा कोई बंदा है आप तो ये हो आप वगैरह वगैरह, वो नीचे कमेंट गलत गंदी गंदी गालियां देने लग गया। अबे पाकिस्तान की जितना पासपोर्ट की वैल्यू है उतना ही तो हम बताएंगे ना। पाकिस्तान ने जितना देशों से कर्जा ले रखा है वो तो पूरी दुनिया जानती है, गूगल पे पड़ा है। उसमें हमने अपने मुंह से बता दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया? लेकिन नहीं जी, उनको नहीं पसंद। अब वो कहाँ का बंदा है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी सोच है। लेकिन कड़वी सच्चाई है भाई, घूंट कड़वा है, पीना पड़ेगा। इंडियन लोग हैं बता दूं पूरे वर्ल्ड के अंदर 7,620, ये आंकड़े 2020 तक के हैं। जी हाँ साथियों, फर्स्ट मंथ की मैं बात करूं, टोटल कैदी अलग अलग देशों में हैं। ये मान के चल सकते हैं कि जितने कैदी दुबई यूएई में पाकिस्तान के हैं अकेली देश में, उतने हमारे पूरे देश के कैदी अलग अलग स्टेट पूरे वर्ल्ड में है, ये समझ सकते हैं। जी हाँ, और इंडिया के कैदी मान लीजिए, ठीक है ये भी अगर है तो गलत ही है भाई, गलत तो गलत है, इन्होंने कहीं ना कहीं गलती की है तभी जाके ये फंसे हैं। तो डिटेल से आगे हम बताएंगे। अगर हम यूरोपीय देशों की बात करें तो जर्मनी देश में 114 भारतीय कैदी हैं। जी हाँ साथियों, जर्मनी में 114 लोग हैं। किन रीजन से फंसे हैं? इलीगल एक्टिविटी में फंसे हैं ज्यादातर तो, या फिर यूरोप कंट्री में जो फंसते हैं ना वो इलीगल फंसते हैं, जिनके पास वीजा नहीं या फिर कोई इलीगल तरीके से पहुंचेंगे। इटली में बात करें तो 78 पीपल्स हैं जो वहां की जेलों में, इटली में 78 लोग हैं जो इंडिया के लोग हैं वहां की जेलों में है। ग्रीस में 17 भारतीय हैं। जी हाँ, ग्रीस एक कंट्री आपको सबको पता ही है, वहां पे अलग ही लोग इतना ज्यादा नहीं है, मैंने भी आज तक कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन 17 लोग अभी भी इंडिया के लोग हैं वहां की जेलों में। सऊदी अरब की बात करें तो सबसे ज्यादा सऊदी अरब में है भाई इंडियन लोग, 2,084। जी हाँ सर, इंडिया के लोग हैं जो वहां की जेलों में। इसका रीजन बता दूं मैं क्या है, गल्फ कंट्रीज में जो लोग हैं, सऊदी में ज्यादातर चोरी के मामले में, अवैध शराब का धंधा करना, घूस, आर्थिक यानी पैसों का लेन देन का घोटाला, इस तरह के लोग हैं जो 2100 के करीब, 2100 के करीब लोग हैं सऊदी की जेलों में। जी हाँ, जो 2016 की बात करें, आंकड़ों की संख्या 1696 थी, यानी 1700 लोग थे 2016 में, 5 साल में, 4 साल में मात्र कितने बढ़े हैं? 400 लोग बढ़े हैं, यानी ठीक है। हालांकि लोग कितने रहते हैं, 25 लाख इंडियन लोग रहते हैं तो इतना तो चल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देश का नाम इतना तो भाई, और जहां जाओगे तो इतना तो कुछ गलत लोग करेंगे वो अपवाद के तौर पे हर जगह मिल जाते हैं। अगर दुबई की बात करें संयुक्त अमीरात में, जी तो पहले 1143 लोग थे जो बढ़कर 1376 लोग हो गए हैं। जी हाँ साथियों, पूरे भी दुबई में 40 लाख के करीब इंडियन लोग रहते हैं, 35-40 लाख का आंकड़ा आ रहा है, उसमें से मात्र बता दूं 1400 या 1400 के लोग के करीब हैं जो यूएई की जेलों में। चीन की बात करें तो 2016 में 161 लोग चीन की जेलों में थे, जो घटकर अब मात्र 28 रह गए हैं, बाकी उन्होंने सजा काटी कैसे भी हो निकल चुके हैं, मात्र 28 लोग हैं जो अभी वहां की जेलों में। विदेश मंत्रालय ने भी इन चीजों पे सफाई दी है, उन्होंने बताया है सऊदी अरब में जो लोग हैं वो बता दिया मैंने, शराब, घूसखोरी, तस्करी या फिर लेन देन के मामले में या फिर दारू वगैरह, इस चीजों में सबसे ज्यादा फंसे। तो साथियों, आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।